आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फेस्टिवल दिखाने वाली हूँ जिसको कहा जाता है शीतला माँ का चांद, और ये सिर्फ सेलिब्रेट होता है आपका हावड़ा सालकिया में। तो आप पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिए और आप सच में इस वीडियो को एंजॉय करोगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो दिन है, आज मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और आज मेरा फास्ट है, तो मुझे चाय पीने नहीं मिलेगा क्योंकि विदाउट वाटर हम ये फास्ट करते हैं और मेरा गला भी बैठा हुआ है। तो आज एक फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे शीतला माँ चांद, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अभी तो मैं उठी हूँ, फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को कि इस फेस्टिवल में क्या होता है, अगर कोई फास्ट करता है तो वो उसे क्या करना पड़ता है और किस तरह से इस फास्ट को रखा जाता है। सो आप कंटिन्यू हमारे संग बने रहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने चाय बना लिया है और हम सब अभी पीने वाले हैं। तो अभी और भी दो लेडीज़ है जो आने वाली हैं यहाँ पे और वो आपको बताएंगी सब चीज़। तो चलिए चाय पीते पीते बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, बस दीदी का वेट कर रहे हैं। दीदी आएंगी तो बताएंगी कि ये फेस्टिवल क्या होता है। तो हम यहाँ पे, वैसे मैंने बता दिया आपको, तो चाय पीना हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारी दीदी हैं, दीदी आपको सब बताएंगी। तो दीदी बताओ आज का फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं? এখানে যে মা আছে অনেক জাগ্রত আছে সবাই খুব মানে হ্যাঁ এখানে পূজো অনেক জাগ্রত করে হয় সকাল থেকে ভোর 3টে 4টে থেকে উঠে মায়ের মন্দিরে দণ্ডি কাটে গঙ্গা থেকে চান করে আসে এসে পূজো দিয়ে চান করে এসে আবার ঘরে যায় ঘর থেকে মা যখন বেরোবে মা বেরোলে সবাই কান্ধা দেয় উপোস করে হ্যাঁ পুরো সালকিয়া আমাদের করে এখানে মা খুব জাগ্রত তো এখানে চান ফান করে পুজো দিয়ে দণ্ডি কেটে এসে ঘরে আচ্ছা লোক দণ্ডি খাটে এখানে আচ্ছা তো গঙ্গা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা মায়ের মন্দিরে যায় আচ্ছা এই বড়তে চায় টায় চা খেতে পারবে চায় খায় আচ্ছা খুব ভালো তো মা বেরোলে এবার মায়ের কান্ধা দিয়ে উপোস কান্ধা দিয়ে এসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তখন এবার জল যে ঘরে মিষ্টি ফল যেরকম খায় খায় কিন্তু এখানে মা অনেক জাগ্রত নাম করা সবাই খুব মানে মাকে আর আমরা সবাই এখানে ঘর ঘরে উপোস থাকে পুরো বাড়িতে। आपने देखा कि दीदी ने कैसे बताया, तो इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। हम सब चीज़ में दिखाएंगे माँ के चांद में, शीतला चांद में हम क्या क्या यहाँ पे होता है। चांद होता है, इसमें हमें गमछी लेना पड़ता है। जैसे भी आप सबको देखोगे यहाँ पे, जितने लोग फास्ट करते हैं वो ये गमछी लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और माँ को कंधा भी देते हैं। अभी कोविड का टाइम है तो इसलिए थोड़े बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दूर से जय कर लेते हैं, लेकिन इनका यही होता है कि गमछी आपको रखना ही होता है। और आप गेटअप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जैसे भी होते हैं, आपको साफ़ सुथरा कपड़ा इसमें पहनना होता है। निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ से। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे देखोगे बहुत सारे लोग हैं, और सारी वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आज हमारे यहाँ पे शीतला माँ का चांद होता है। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है सालकिया में ही। तो इसी रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक, और मैंने इसमें सब चीज़ बताया है। तो इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा लास्ट तक और इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, अभी हम जो हैं, हम दोनों मम्मी और मम्मी मेरी हैं, तो मम्मी और हम अभी जा रहे हैं शीतला माँ के पास साड़ी चढ़ाने। तो ये जो शीतला माँ है ये मधुआ मैदान के पास में, और ये जो फेस्टिवल है वो सालकिया में ही मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया। तो आप इस वीडियो को देखते जाओ, जहाँ जहाँ हम जाएंगे ये सारा चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है, एकदम पूरे मतलब बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल सालकिया में। आप देख सकते हो यहाँ पे शीतला माँ के लिए कितना कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी तैयारियाँ चल रही है, थोड़ी देर में शीतला माँ का जो डोली है उठने वाला है। तो ये हैं शीतला माँ जिन्हें आप देख सकती हैं। तो कितना सुंदर से इनका सजाया हुआ है, आप देखिए काफ़ी सुंदर से लोग ने सजाया इनको। लाया जाएगा माँ को, और उसकी माँ के बाद माँ की डोली उठाई जाएगी। तो काफ़ी रिचुअल्स है ये, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जो लोगों को नहीं पता होता है, और ये सिर्फ सालकिया में ही मनाया जाता है। देखिए काफ़ी भीड़ है, ये पूजा करके आ गए हैं, शीतला माँ को साड़ी दे दिए हैं। और जैसे मम्मी ने बताया कि अभी सब पानी लेने जा रहे हैं, आपने जो अभी प्रीवियस में देखा, जल लेने जा रहे हैं माता रानी की, और उस जल से फिर इन माता रानी को नहलाएंगे, उसके बाद माता की डोली उठेगी और फिर थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ
कर पाऊंगी। तो ये देखो सब लोग जैसे यहाँ पे नंगे पांव जाते हैं, कोई चप्पल नहीं पहनते यहाँ पे। नॉर्मली जो फास्ट चलते हैं जैसे नंगे पांव, जैसे मैं भी हूँ यहाँ पे। और ये अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और दीदी कह रही है कि वो अपने घर लेके जा रही है। जा रहे हैं सब लोग, कितना भीड़ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से सजाया जाता है पूरे सालचा को। और थोड़ी देर में यहाँ पे मेला भी लगने वाला है। इवन हम जब ये बाजार में जाएंगे हरुगंज बाजार, तो वहाँ पे आपको मेला भी दिखेगा। लेकिन भाई मेरी तो अभी फास्ट है तो मैं खा नहीं पाऊंगी बाजार। और ये आप यहाँ से स्ट्रेट देखोगे तो यहाँ पे सतनामा है, बड़ी सतनामा, तो सातों बहनों में सबसे बड़ी है, तो वो यहाँ पे है। अभी थोड़ी देर में उनकी डोली उठेगी और देख सकते हो आप कितना पुलिस यहाँ पे, पुलिस फोर्स है और कितना कुछ है। देखिए जैसे मैंने मास्क लगाया, फेस्टिवल मनाना अपनी जगह है लेकिन मास्क हमें लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो आप खुद भी खतरे में जाते हो और अपने फैमिली के, अपने आसपास सोसाइटी को भी खतरे में रखते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि एंजॉय कीजिए पर मास्क लगाकर। ये पुलिस के अलावा भी कुछ ऐसे फोर्स है जो यहाँ पे हैं और काफ़ी आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये फेस्टिवल कितना इंपॉर्टेंस और कितनी भीड़ रहती है, क्राउड रहती है। तो लोगों को यहाँ पे पुलिस के अलावा भी काफ़ी और भी फोर्सेस को बुलाया जाता है ताकि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके जो भी। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। मैं जब तक जितने देर तक आपको दिखा रही हूँ तब तक आपको दिख रहा है। निकला नहीं है अभी, निकालेगा 3:30 बजे। अच्छा, तो अभी निकली नहीं है दीदी, जैसे बताई आपको भी निकलने वाली है और हम कांधा देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए। मेला लगता है जस्ट लाइक दैट, छोटे छोटे मेले लगते हैं बच्चों के। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सतना माँ है, हम बड़ी माँ के पास जा रहे थे तो यहाँ पे एक छोटी सी सतना माँ हमें दिख रही है। तो यहाँ पे सबको देखो टीका कैसे लगाया गया है। टीका लगाया पंडित जी ने इतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जय भैरव काली, कुछ ऐसा लग रहा है भैरव काली का। अच्छा, एक गाना आना है तो देखिए कितने अच्छे से सजा के और कितने प्यार से देख रहे हैं, क्यूटी पाई है ये। आप लोग ध्यान से सुनिए, अभी जो देखे हैं आप लोग, अब मेजो माँ का पास से आ रहा है, मेजो माँ है वो। तो देखिए अभी हमने मेजो माँ का दर्शन कर लिया है, ठीक है, अब आगे चलते हैं बड़ी माँ के पास। जाए थे और बड़ी माँ का वो उठ चुका है, अब हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ जाके फिर से हम कंधा देने वाले हैं। तो चलिए, माँ बहुत दौड़ा रही है और हम भी साथ में दौड़ ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग इतना भीड़ है और यहाँ पे ऐसे अभी इंतज़ार हो रहा है बड़ी माँ को आने वाली है। और यहाँ पे गाना आप लोग सुनोगे तो ज़रूर आप लोग लग रहा होगा, ये गाना जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है अब तो। वैसे इसे सालकिया चौरस्ता के थोड़ा सा आगे वाला जगह है ये, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं माँ के लिए। किस साइड जाने वाली है बताइए हमें। तो ये आंटी बता रही है यहाँ से कहाँ जाएंगे, काफी अच्छे से बता रही है लेकिन ये अपना फेस नहीं दिखा रही है। तो पता नहीं क्या हुआ आंटी को, शायद ये हमसे गुस्सा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिए कि आंटी फेस दिखाए। तो ये देखिए सतनामा गई है, घुसरी वाली, घुसरी वाली माँ है, घुसरी माँ। देखिए जब बड़ी माँ आती है जिनके लिए हम इतना देर से वेट कर रहे थे, सही बात है, उनके आने के पहले देखिए इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, फिर बैनर आ रहा है, काफ़ी कुछ आएगा, उसके बाद तो आपको माँ का दर्शन होगा। ये देखिए बड़ों माँ का जो मैंने बताया बैनर अभी उधर चली गया है और काफ़ी बैंड बाजों के साथ माँ का स्वागत होने वाला है। और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जमा हुई है सिर्फ उनको कांधा देने के लिए, तो आप देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पर। देखिए आईपीएस है जिसके कारण काफी फोर्स है और देखिए यहाँ लेडी आईपीएस है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
बात दिख रही होगी हमको लगता है, तो बड़ी माँ आ रही है धीरे धीरे यहाँ तक, और अगर हम कंधा दे पाए तो सही है, नहीं तो माँ का आशीर्वाद ऐसे ही है। ध्यान से देखिए बड़ी माँ को, ये यहाँ की बड़ी माँ। तो यहाँ पे हम सबने दिया और हमें प्रसाद मिला, सबने कंधा दिया है बहुत ही अच्छे से। तो ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो था जो आपने देखा है, फर्स्ट पार्ट है सितला माँ चांद का। तो सेकंड पार्ट भी आएगा। इस पार्ट में हमने आपको दिखाया है बड़ी माँ के बारे में, जो यहाँ की सितला माँ की बड़ी माँ होती हैं, सात बहनों में से जो सबसे बड़ी माँ होती है, जो सितला माँ, जिनके लिए जितने लोग उपवास करते हैं वो उनके बारे उनको आपको कंधा देते हैं, और उनका दर्शन करने के बाद ही, पूजा करने के बाद ही हम पानी पीते हैं। तो इसलिए यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट वन में आपको पूरी मतलब एकदम अच्छे से सितला माँ का दर्शन भी कराया। तो प्लीज़ उनके लिए सितला माँ का दर्शन करने के बाद मुझे थैंक्स ज़रूर पूछेगा हमारे चैनल को। अब पार्ट टू में आप देखोगे सबसे छोटी बहन के बारे में, तो जो सबसे छोटी बहन है उनके बारे में हम पार्ट टू में दिखाएंगे। तो अब तक के लिए बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।